तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो अभी फिलहाल मैं भी रेडी हो चुका हूँ और अभी हम लोग होटल में ही हैं। तो आज ब्रेकफास्ट में हमारा ये पाव भाजी है और सभी अभी जैसे ही खा रहे हैं क्योंकि जगह का यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, इसलिए अभी खड़े खड़े ही खा रहे हैं। अभी ये होटल के पीछे का एरिया, यहाँ से पूरा पानी वानी है और वहाँ पे भी एक होटल है और यहाँ पे फिलहाल अभी खाना वाना बन रहा है उस साइड। और ये दूसरा यहाँ पे तालाब जैसा है, तो जिस रूम में हम रहते उसका ये बेड है और बाजू में ये बालकनी है जो मैंने व्यू दिखाया था आपको। और इधर वॉशरूम है, एक लोगों की सोने की जगह है और ये छोटा सा मिरर है। तो देखो गाइस, यहाँ पे एक पूल भी था, बहुत बढ़िया, लेकिन कल हम रात को लेट आए थे तो ये बंद हो चुका था। और अभी तो चेकआउट कर रहे हैं तो इसमें जाने का चांस नहीं मिलेगा आज। फाइनली यहाँ पर सारे लोग आ चुके हैं, सभी इकट्ठा हो चुके हैं। अभी यहाँ से थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे हम लोग। तो फिलहाल हम लोग अभी एक दूसरी जगह पर आए, पीछे बस भी रुक रही और यहाँ के एक फेमस जेल है, मेरे को नाम नहीं पता है अभी, लेकिन वहाँ आए हैं अभी। Sometimes someone comes into your life so unexpectedly. Sometimes someone turns to be the one that gives you everything. तो ये पूरी जगह का मैप जैसा 3D मॉडल बनाया है। तो ये जो ब्लू कलर व्हाइट कलर का है वो ये रहा, और जो ये बीच में है वो ये सब यहीं पे, और ये पूरा एरिया है साइड का। तो बाय द वे ये पूरा सीन है यहाँ का, बीच में यहाँ पे जेल है, नीचे जेल जो चोर होते हैं, जो गुनहगार होते हैं उनको इसमें बीच में डालते हुए, और वहाँ से अच्छा सीन आ रहा है। और बाय द वे ये पीछे पूरा दरिया है, जेल के पीछे का व्यू है देखो। तो शायद यहाँ पे पानी भरा होता होगा जब जब कैडियो को जेल में रखा होगा, क्योंकि वो तैर के भाग ना सके यहाँ से। तो फिलहाल यहाँ से निकल गए और बाय द वे यहाँ पे देखने जैसा तो कुछ खास है नहीं, लेकिन यहाँ से जो व्यूज़ आते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि पीछे इधर या ये पूरा क्लीनली देखता है आपको और पिक्चर्स भी आप ले सकते हो यहाँ पे। तो फाइनली अब यहाँ से भी हम निकल चुके हैं और अभी जा रहे हैं बीच पे या फिर शॉपिंग करने जाएंगे, ये दोनों में से एक प्लेस पे जा रहे हैं अभी। तो फिलहाल यहाँ पे हम अभी शॉपिंग करने के लिए आ गए, इससे बहुत सारे स्टोर हैं तो सभी लोगों को अभी टाइम दे दिया है बस। फिलहाल अभी शॉपिंग करते हैं यहाँ से और फिर यहाँ से निकलेंगे थोड़ी देर में। तो फाइनली शॉपिंग यहाँ पे हो चुकी है और यहाँ पे काजू भी ले लिए और मम्मी ने थोड़े कपड़े, मेरे लिए भी कपड़े और पैकेट वो सब कुछ भी ले लिए। तो अभी शॉपिंग वॉपिंग हो चुकी है तो निकलते हैं यहाँ से। अभी मैं बस में बैठ चुका हूँ और अभी हम लोग जा रहे हैं बागा बीच पे। फिलहाल हम लोग बागा बीच पे आ चुके हैं तो थोड़ा अभी चलना पड़ेगा यहाँ से, फिर वहाँ से आपको जो भी होगा सीन वो मैं आपको बता रहा हूँ। और रिकॉर्ड करने के लिए मैंने ये भी ले लिया ट्राइपॉड। तो फाइनली हम लोग बागा बीच पे आ चुके हैं। Took me by surprise, made me complete. You changed my life, made me believe in real love. And now my heart beats, it beats for you. अभी देख ही रहोगे, मैंने कपड़े चेंज कर लिए, तो फिलहाल यहाँ से अभी निकलने वाला है यहाँ से। अभी 6:30 बज रहे, तो मैंने वहाँ पे कुछ रिकॉर्डिंग नहीं किया कि मेरे पास यही एक फ़ोन है और जो भी था वो सब पानी में ही था, इसलिए मैं अपना फ़ोन भी करना नहीं चाह रहा था, इसलिए अभी मैंने रिकॉर्ड वेकॉर्ड कुछ नहीं किया। तो फिलहाल अभी मैंने सामने से अभी एक टाइम लैप्स लिया है तो आप वो देखिए। और तो यहाँ पे बग्गा बीच पे अभी रात हो चुकी है और पूरी लाइटिंग चल रही है, देखो लास्ट तक वहाँ पे तक लाइटिंग है। थोड़ा जूम कर देता हूँ, यहाँ पे कैंडल लाइट डिनर चल रहा है और इतना क्लियरली नहीं दिख रहा है कैमरे में। तो फिलहाल अभी शाम के 8:30 बज रहे हैं और हम लोग अभी
अपनी होटल पे जाने के लिए निकल चुके हैं यहाँ से। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे होटल पे वापस आ चुके हैं। फाइनली अभी हमने खाना वाना भी खा लिया है और आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करने वाला हूँ, क्योंकि अब जो भी है वो ट्रैवल ही करना है, पूरी रात बस में ही निकलनी है, तो इसलिए अभी कोई रिकॉर्ड करने का कोई मतलब नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।